मैं शुरू करता हूँ आने वाली तीन सितंबर को आ, हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती है तो उन्हीं के कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ राम वनवास भगवान राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकल रहे हैं तो वहां की पंक्तियां कि पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को उनके पीछे भी लक्ष्मण थे कहा राम ने तुम कहा विनत वदन से उत्तर पाया तुम मेरे सर्वस्व जहां सीता बोली ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुख मोड़ चले उत्तर मिला कि बरबस बना न मुझको त्यागी चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी प्यार किया है तुमने केवल सीता यह क्या मुस्काई किंतु राम की उज्जवला के सफल सीप सी भराई और आगे तीनों आगे जाते हैं पंचवटी पर तो पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किया है कि चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में स्वच्छ चांदनी हुई है अवनी और में पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हो तरुबी मन पवन के झोंकों से और पंचवटी की छाया में है सुंदर परण कुटीर बना जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना जाग रहा है कौन धनुर्धर ये कौन जाग रहा है लक्ष्मण जाग रहे हैं और पूरा विश्व सोया हुआ है कि जाग रहा है सोता है भोगिक कुमायुद योगी सा बना दृष्टिगत होता है किस व्रत में है वृत्तिरिय निद्रा का राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए बना हुआ है प्रहरी जिसका शुक्रिया बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है जिसकी रक्षा में रहती इसका तन है मन है जीवन है और मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संजो आई है तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है विजन देशे निशा से से निशा चरी माया ठहरी वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी शुक्रिया दावाद। कुछ पंक्तियां सतीश सर्जन की महाभारत के समय की हैं और अर्जुन भगवान को जब बहुत कम आंकने लगती हैं कि ये कोई साधारण मेरे सारथी हैं, तो वहां की हैं। तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूं तो वो कह रहे हैं अर्जुन से भगवान कि तेरे सब जन्मों का मैं ज्ञाता पर तुझे खबर ना कौन मैं क्या मैं कहता जो वैसा तू कर मुझ माधव की अनुकंपा पा सब धर्म कर्म को छोड़ पार मुझ कृष्ण शरण में तू आ जा मैं नष्ट करूं सब पाप तेरे मेरी बाह पकड़ मुक्ति पा जा सूर्य चंद्र तारे नव विद्युत सूर्य चंद्र तारे फिर भी मैं अखुट उजाला हूं जहां जाकर कोई ना लौटे मैं वहां का रहने वाला हूं है धाम परम आनंद परम आकाश परम सुख है हर पल आशरण मेरी मेरा सेवक बन उस परम धाम को अर्जुन चल क्योंकि

जल सागर प्राणी में मैं मैं घृणा हूं खुद आकर्षण हूं मैं प्रसन्नता और शोभ में सतरजो तमस प्रकृति सकल और काम क्रोध मद लोभ हूं मैं वैकुंठ में नहीं निवास मेरा ना योगी हृदय में आता हूं मेरे भक्त जहां मेरा गान करे मैं स्वयं को वहां पाता हूं प्रेमी खातिर कुछ भी करता मेरे भक्त मेरी दुर्बलता है उन पर यदि आए आज कोई तो विधि विधान भी हिलता है शुक्रिया प्रेमी खातिर कुछ भी करता मेरे भक्त मेरी दुर्बलता है उन पर यदि आए आज कोई विधि विधान भी हलता है मैं काल परे कल्पना परे मंदबुद्धि में नहीं आता हूं ब्रह्मांड अखिल में सिमटू पर भक्त हृदय में समाता हूं मेरे सखा मेरी ये बात सुनो तुम्हें दिव्य चक्षु पहुंचाता हूं हे जूठी एक जब तुझे रूप विराट दिखाता हूं सब छोड़ बहम और देख स्वम मेरी उपमा है कितनी भारी ऐसा मेरा रूप न लखा कोई अब तक जन्मे जो नर नारी शुक्रिया और इतना कहकर रथ से उतरे कोंते के संग में गिरधारी अर्जुन प्रसन्न और डरे भी थे पर मन में थे अति आभारी माधव ने अपना सहज रूप फागुन के आगे खड़ा किया फिर वृहत बढ़ाया गात प्रभु अंबर तक खुद को बड़ा किया यह दृश्य देखते अन्य तीन हनुमान बरबरिक और संजय कर रहे कृष्ण विस्तार रूप कर बांधे लगते धनंजय ऐसे कि अनगिनत हाथ अनगिनत चरण अनगिनत शीश अनगिनत मुख और अनगिनत नेत्र और मुख अनंत धरती अंबर तक जगत दीश अनगिनत दिव्य आभूषण में अनगिनत दिव्य हथियार लिए चाहू और मैं दिव्य गंध माधव ने अति विस्तार किए प्रतिरोम कोटि रवि का प्रकाश आभा चमके जगमग जगमग एक दिव्य उजाला पसरा था ना दिखता सर ना दिखता पग क्योंकि अरबों खरबों मुखमंडल थे ना दिखता प्रभु का और छोर लाखों शंकर लाखों ब्रह्म लाखों सुरोर लाखों गणेश लाखों लोकपाल, लाखों कुबेरियम और शेष अग्नि वायु और वरुण देव लाखों लाखों मानव, लाखों किन्नर गंधर्व यक्ष देवता पितृ लाखों दानव विकराल रूप मुख खुला हुआ जिसमें दिखता ब्रह्मांड सकल लाखों नव गंगा ग्रह तारे जिसे देख धनंजय हुआ विकल एक और से प्रभु में समा रहे एक और से प्रभु में समा रहे पशु पक्षी तरुगिर नर नारी एक और से में यह सारे लीला विराट करे गिरदारी भारत ने देखा निकल उठे कौरव पांडव के सभी वीर जिसे देख डर गया गुड़ा के स्तन कापा मन था अधीर स्वेद सदा खुद भीग गया सब रोम पार्थ के फूल गए भयभीत हुए इतना अर्जुन है कौन है क्या सब भूल गए मस्तिष्क में रक्त वाहन अब पर वाहित ना हो पाएगी अर्जुन को लगता था जैसे अब हृदय गति जाएगी सखा तो है ब्रह्मांडपति जिसे मैं समझाता थर 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 रहा अर्जुन। मुख ना निकले एक बोली भारत कोशिश करके बोला हे माधव केशव गोपाला अतिशय तु यदुनंदन प्रभु तजो रूप ये विकराला अधिनायक प्रभु आप ही जगत नियंता हैं के प्रतिपालक आप ही है सृजन आप ही हंता है वेदों के ज्ञाता आप ही हैं, वेदों के ज्ञाता आप ही हैं और आप ही हैं प्रभु परम धाम अनगिनत रूप तेरे जग में कण कण में बसता तेरा नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश यम अग्नि वायु चंद्र रवि हे नाथ आप ग्रह तारे हैं है, है कोटि नमन करता किनकर क्योंकि धरती अंबर तक जो कुछ भी गोविंद की प्रस्तुति है है नमस्कार है कोटि नमन सेवक करता तेरी स्तुति है हे दीन बंधु मुझे क्षमा करो मैंने तुमको मानव जाना मैं पांच तत्व का तुच्छ जीव गोविंद तुम्हें न पहचाना हे मधुसूदन अब कृपा करो नि सहज रूप में आ जाओ मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए प्रभु है क्या आज्ञा मुझे बतलाओ संकेत भी तेरा सिरोधार स्वीकारो प्रभु दासत्व मेरा माधव अब सब कुछ आप ही हैं नहीं शेष बचा है मैं तो मेरा जो किया चिरोरी कुंतीसुत हरि विसुरूप को समेट लिया कर सहज रूप यशोदा नंदन कोंते को फिर से अबैकिया सुكري अगर आप ये वीडियो youtube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें